हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय, वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जीएनएम नर्सिंग का जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो अगर आप जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो छोड़ा था जिसमें मैंने डिस्कस किया था जीएनएम नर्सिंग वर्सेस बीएससी नर्सिंग के बारे में, और भी एक जीएनएम नर्सिंग का वीडियो था जिसमें मैंने डिस्कस किया था जीएनएम नर्सिंग का फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ का लिंक दिया है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत कॉमेंट आ रहा था कि भैया जीएनएम नर्सिंग के बारे में और भी वीडियो चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके हाजिर हो चुका हूँ आपके पास जीएनएम नर्सिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जीएनएम नर्सिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, वीडियो का अंत तक जरूर देखना। और एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वन बाय वन आपको बता देते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, इसको एक्चुअली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वाला पार्ट ये है कि टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो है, टॉप रिक्रूटिंग सोसाइटीज जो है, जो आपको जॉब रिक्रूट करते हैं, उनके बारे में पहले एक ब्रीफ मैं देना चाहूंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा जॉब पोजिशंस जो आप ले सकते हैं जीएनएम नर्सिंग करने के बाद। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पेज लेके मैंने लिख के रखा है, वन बाय वन आपको बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज और टॉप रिक्रूटिंग सोसाइटीज आप बोल सकते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, एम्स, मेट्रो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल एंड डिफरेंट ऑर्फनेजेस। तो बहुत सारे जगह आपका है जहाँ पे आपको टॉप रिक्रूट्स होते हैं, जिसमें आपको सैलरी बाकी अदर्स जो कंपनीज है, एवरेज कंपनीज जो आपको जॉब रिक्रूट करते हैं, उनसे ज़्यादा जॉब आपको मिल सकता है। तो ये हो गया टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज और सोसाइटीज आप जो बोल सकते हैं। अब चलिए ओरिजिनल जो हम लोगों का डिस्कशन का मैटर है, जॉब पोजिशंस, क्या क्या जॉब पोजिशंस आप होल्ड कर सकते हैं जीएनएम नर्सिंग करने के बाद। पहले क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, लीगल नर्स कंसल्टेंट, फॉरेंसिक नर्सिंग इंचार्ज एंड हेल्पर, टीचर एंड जूनियर लेक्चरर, नेक्स्ट रिसेप्शनिस्ट और एंट्री ऑपरेटर, ये बोल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। आर्मी नर्स, ट्रैवलिंग नर्स, नेक्स्ट आप बोल सकते हैं ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड आप रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट एमरजेंसी नर्स, नेक्स्ट मिडवाइफ नर्स, और भी बहुत कुछ। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। अगर आप जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं तो ऐसे सोचने का कोई जगह नहीं है कि मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट से पीछे हूं, तो पीछे बिल्कुल नहीं है आप भी बहुत ही अच्छा जगह पे पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ कर रहे हैं। ये और भी अच्छा चीज़ हो रहा है कि आप लोगों का कोर्स और भी जल्दी खत्म हो रहा है। और सैलरी, जो एवरेज सैलरी एक नॉर्मल नर्स को मिलता है ना, बीएससी नर्स, हाँ मुझे ये पता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है, वो लोग बहुत ही आसानी से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों का कोर्स भी बड़ा है और उन लोगों का बीएससी कोर्स है। पर जीएनएम नर्सिंग का आप अगर नॉर्मल उन लोग जैसे एवरेज कंपनीज में रिक्रूट होते हैं, और आप बोल सकते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो, जहाँ पे वो लोग रिक्रूट होते हैं, वहाँ पे अगर आप रिक्रूट हो तो सैलरी आप लोगों का ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। तो आप लोगों को सोचने का उतना भी ज़रूरत नहीं है कि मैं पीछे हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं, जीएनएम नर्सिंग जुग जुग जियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर मस्ट करना, क्योंकि शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो क्या करना है, जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, वरना मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।